So, hello everyone. I am Dr. Ankit Khandelwal from Human Anatomy by Dr. Ankit. And today we have with us our dear friend Dr. Sheikh Javed, who has recently cleared the FMG exams, which held on December 23 on his very first attempt. So, first of all, I would like to welcome you, Dr. Javed. Thank you, sir. Many, many congratulations on this awesome Thank you so achievement. much, sir. Awesome achievement. Why awesome achievement? Thank Because you passed in the first attempt. So, a brief introduction if you want to give on your behalf. आपने कहाँ से पढ़ाई की? Whatever you want to tell all of us. Okay, sir. Myself, Sheikh Jahid. I have a study from Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyzstan. And this is my first attempt of FMGE. And I have cleared with 200 marks. This year, December FMG examination in my very first attempt. चलिए तो डॉक्टर जावेद, वुड यू वॉट लाइक टू टेल अस समथिंग अबाउट योर एमबीबीएस जर्नी इन ब्रीफली? कुछ ऐसा बताना सर, चाहोगे एमबीबीएस जर्नी के बारे में? राइट. जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे हम इंडिया छोड़ते हैं तो हमें हमारा जो लाइफ होता है एक रोलर कोस्टर की तरह होता है. कभी अप कभी डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब भी दूसरे देश जाते हैं, सबसे पहला बात यह होता है कि लैंग्वेज बैरियर. सो हमको उसके साथ साथ जो एटमोस्फियर होता है, एनवायरनमेंट के साथ भी हमको अक्लिमेटाइज होने में टाइम लग जाता है. और साथ ही वहां पे हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से इंडिया से जब भी शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे कंट्री के लिए, तो वहां पे टेम्परेचर हमारे फेवरेबल में नहीं होता है. तो सबसे पहला तो अक्लिमेटाइज करने में हमको टाइम लग जाता है. फिर उसके बाद प्रोफेसर जब भी क्लासेस चालू हो जाते हैं तो सबसे पहला बात है फर्स्ट ईयर वास्ट सिलेबस, एनाटोमी, फिजियो, बायोकेम, और साथ में वहां पे जो भी है हमारे सारे के सारे कोर्सेस, लैंग्वेज कोर्सेस चलते हैं, रशियन, किर्गिज. सो सारे के सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके हमको चलना पड़ता है. ऐसे भी हम लोग सडनली एक्सपोज होते हैं कि सारे वास्ट सब्जेक्ट मेडिकल के. और जैसे ही सब लोग, मेरा मानना है, बाकी स्टूडेंट्स का भी यही मानना है कि एनाटोमी इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट. बट ये हाँ, सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू तक ये सही है. अगर आप इसको एनाटोमी को अपने बॉडी से रिलेटेड करके करते हैं डिस्कशन, और साथ में आप उसको रिलेट कर लेते हैं, तो कुछ हद तक ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि बिल्कुल हाँ, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिससे हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ये है, ये कैसे दिखता है, कैसे ये फंक्शन करता है, वो सारा सारा हम रिलेट कर सकते हैं सर. हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो तब लॉन्च किया था. उसका नाम था कि राइट सर, एनाटॉमी का डर मिटाया जाए, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ एनाटॉमी, है ना. तो उसमें भी मैं यही बात कर रहा यस था सर, कि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें आंखों से दिख सकता है, हाथ से छू सकते हो. तुम्हें कोई मसल है, कोई नर्व है, तो ये इसका बहुत बेनिफिट है. तो जाहिद, आप ये बताना राइट चाहोगे कि आपके एमबीबीएस टाइम में क्या क्या कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे या क्या क्या कुछ सब्जेक्ट्स वीक थे? और एक बात, मैं इस सवाल को बीच में रोक रहा हूं. पहली बात तो हम सबके लिए जो इंडिया से एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस ही होती है. मैं भी बाहर गया हूँ पढ़ाने, मुझे मालूम है कि बाहर का बच्चा राइट सर, एमबीबीएस करता है तो खाली एमबीबीएस के साथ उसे एक फिजिकल मेंटल जंग भी लड़नी होती है. मौसम, राइट सर, भाषा, लोग अलग हैं, सब कुछ अलग होता है. तो मैं कुछ दिन रहा हूं, मुझे पता है कि आसान बिल्कुल भी नहीं. कहीं किसी को लग रहा हो कि बाहर चले गए कोई बात नहीं, करके आ गए, ये जाना और करके आने के बीच में जो 5-6 साल होते हैं ना, ये जो वहां रहता है उसे ही पता है, राइट सर. आसान नहीं होता. पहले, खासकर पहले के दो वहां पे ना बिल्कुल कोई अपना होता है, ना कोई, बिल्कुल मतलब कुछ भी हो जाए तो कोई अपना नहीं रहता है, तो खुद को बिल्कुल ही अपने आप से एडजस्ट करना है. घर वालों को भी हम टेंशन नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे पास जा ही नहीं सकते इतने जल्दी, शॉर्ट टाइम ऑफ नोटिस में. सो इसलिए हमको हर तरह से अपने आप को मैनेज करना होता है, मेंटली, फिजिकली. साथ में दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम होता है फूड. जैसे कि फूड हम इंडिया से जो भी खाना वगैरह हम लोग, हमारा हैबिट है, फूड हैबिट, वहां जैसे ही जाते हैं हमारा फूड हैबिट चेंज हो जाता है. तो हमको आइदर हमको खुद से बनाना पड़ता है या तो फिर कोई मेस वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है. सो वो उसमें भी एक स्ट्रगल है. सही बात है. अब इंडिया में ही सबके इतने अलग अलग फूड चॉइसेस हैं, सोचिए बाहर जाके क्या राइट होता सर, है. तो इसमें मुझे लगता है कि आपस में एक बॉन्डिंग का, दोस्तों का, सीनियर्स का, ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको सही से गाइड कर सके, सही गाइडेंस मिल जाए. राइट खासकर सर, बाहर बहुत बड़ा रोल है, राइट. तो चलो जाहिर, कुछ यार ये बताइए कि आपके कुछ राइट सर. स्ट्रॉन्ग या वीक सब्जेक्ट्स कुछ रहे एमबीबीएस में जो आप बताना चाहते हैं? राइट सर, एक्चुअली मेरे वीक सब्जेक्ट में से, वैसे मेरे, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, लेट्स से जब फर्स्ट टाइम के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो मेरे को लग रहा था यस ये आसान है, हो जाएगा. बाद में जब रिवीजन कर रहे थे ना, तो
लेट्स से पैथो पढ़ा तो इधर वो सारे के सारे जो पीछे पड़े हुए माइक्रो हैं या बायोकेम है वो सारा का सारा निकल गया दिमाग से। सो फिर लास्ट मोमेंट में जब मैंने पीडिया वापस आया, अब हमारा मेरा प्रिपरेशन जब मैंने चालू किया, तब मेरे को जो पता लग गया कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, कौन कौन से वीक स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग जोन में मेरे पीएसएम आते हैं, लाइक पीएसएम, ऑफ्सकाइनी, सर्जरी एंड पीडिया, एज वेल एज ईएनटी एंड पैथोलॉजी। ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में है। और वीक सब्जेक्ट में अगर मैं अभी बोलूं तो मेरे वो अभी भी लाइक फिजियो, देन फार्मा थे, और साथ में मेरे वो फाइनल ईयर में मेडिसिन मेरे को लगता था। पर हाँ, मैंने जब पैथो को अच्छे से कर लिया तो अब मेरा मेडिसिन का भी जो टेंशन था वो दूर हो गया है सर। तो यहाँ पे एक मैं चीज और पूछना चाहता हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी है और मुझे लग रहा है और भी क्यूरियोसिटी होगी। एज अ स्टूडेंट हम जब पढ़ते हैं तो हम ये कैसे जज करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, स्ट्रांग है, या हमारा उसमें टीचर का रोल है, किताबों का रोल है, या फिर हमारी पर्सनल ऐसी बनावट ही है कि हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसके बारे में क्या विचार है? तो क्योंकि पूरी एमबीबीएस आपने कर ली है तो काफी सब्जेक्ट पढ़ लिए, राइट सर, तो क्या लग रहा है इसके बारे में, सब्जेक्ट वीक स्ट्रांग डिफरेंशिएशन का मापदंड क्या है? सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट वीक या स्ट्रांग है वो सारा का सारा हमारे दिमाग से, दिमाग का खेल है। अगर मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि मैं पहले से ही बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा था। तो फिर जैसे ही फाइनल ईयर के तरफ मैं बढ़ते गया, बहुत सारे सब्जेक्ट बढ़ते गए हमारे, तो वो मैं भूलते गया। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरा वीक सब्जेक्ट है। फिर उसे मैंने जब रिविजन किया, लाइक मल्टीपल रिविजन किया, मैंने उसका स्ट्रैटेजी निकाला। एक्चुअली मेरे को ये पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री जो है उसको कैसे इंप्रूवमेंट करना है, मेरा वीक जोन कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज मेरे लिए वीक था, मेरे लिए अमाइनो एसिड डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने सर, आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे सारे चार्ट्स हाँ लगे हुए मैं आ हैं, रहा था उसी तो पर। वो सारे के सारे चार्ट्स मैंने बनाया, और ये मेरे वीक सब्जेक्ट है, इनके ऊपर मेरे को काम करना है। ये सारे के चार्ट लगाने के बाद मैं हर रोज या लाइक 2 to 3 days के इंटरवल में मैं इसको रिवाइज करता था। तो उसके बाद मेरा बायोकेमिस्ट्री का ऐसा डर निकला, ऐसा डर निकला, अब मेरे जीटी के स्कोर भी इंप्रूवमेंट होने लग गए। उसी तरह का एनाटोमी में फिर, हालांकि मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मेरे को पता था कि एनाटोमी, सब टीचर बोल रहे थे कि सारे बच्चे, मेरे सीनियर सब लोग यही बोल रहे थे एनाटोमी बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, वोलाटाइल है, नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे, कोई इसमें कंसेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको रटना है, याद करना है, रिलेट करना है। तो मैंने ठान ही लिया था कि मेरे को फर्स्ट ईयर से ही उसको मेरा स्ट्रांग जोन बना के चलना है। फिर फर्स्ट ईयर में मेरा तो स्ट्रांग जोन बन गया, लास्ट जब फिर से एग्जाम से पहले फिर से मेरे को उसमें डाउट होना लग गया, डर लगना चालू हो गया कि हालांकि मैंने पढ़े थे, मेरे बेसिक्स क्लियर थे, पर फिर भी एक होता है ना डर कि जीटी में तो क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं और नंबर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं एक्चुअली सब्जेक्ट में। फाइनली सर ये बताऊं कि लास्ट मोमेंट तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि 50-50 करके जाना है, आए मेरा लक, नहीं आए मेरा लक। तो फाइनली फिर लास्ट 15 days में सर, मतलब आपके जो 100 questions, आप पर डे 10 questions जो डिस्कस कर रहे थे, PYQs विथ PYTs, मैंने उसको सोचा कि चलो कुछ ना करने से भले यही कर लेते हैं। तो मैंने उसको रेगुलरली फॉलो किया, इवन 2 to 3 times उसको वॉच किया 2x स्पीड में। तो फिर धीरे 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 फाइनली मेरे जो एनाटोमी में है, अब मैं प्राउडली कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट मेरे एनाटोमी के 2 question गलत हुए सारे क्वेश्चन से। तो मेरे ख्याल से करीब तो 14-15 सवाल तो आए थे आराम से, 18 question थे अठारह इंटीग्रेटेड विथ क्वेश्चन एनेस्थेसिया एंड आपका ईएनटी सर्जरी हो वगैरह। गया, ऑर्थो हो गया, सब मिला मिलू कर। तो जो राइट सर, अभी जो डॉक्टर जाहिद बात कर रहे हैं, ये हमने एक वीडियो सीरीज लॉन्च करी थी अभी यूट्यूब में ही, उसमें डेली शायद 10-10 सवाल थे, 10 वीडियो सीरीज की थी वो, कि 100 सवाल हैं राइट सर, उसमें से देखो क्या मतलब, क्योंकि उसमें टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह से मैं ये बता दूं कि अभी हमने एक और वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है और नीट पीजी आई ना सीटी, और ये मेरा प्लान था ना कुछ बड़ा स्केल पे करते, कोई चीज रह ना जाए। तो अभी देखिएगा आपने, ये 2 महीने की है, हर हफ्ते में 5 दिन की है, और डेली इसमें राइट डिवाइड है, इस हफ्ते अपर लिम लोअर लिम, इस हफ्ते ये है, इस हफ्ते ये, इस हफ्ते ये, एंड तक पूरा है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा प्लानिंग एज अ एजुकेटर टीचर हम भी करें, प्लानिंग जैसे स्टूडेंट करते हैं उतनी प्लानिंग हमें भी करनी पड़ेगी, तभी जाके दोनों का फायदा है। मतलब हमारा फायदा ये है कि जब राइट सिलेक्शन सर, जाए तो इससे बड़ा फायदा कुछ नहीं। चलो जाओ जाहिद, मैं राइट सर। बताओ यार, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर करी एफएमजी एग्जाम की, मतलब कौन सा वो साल था या कौन सी?
वैसे सर एक्चुअली जैसे ही हम फर्स्ट ईयर कॉलेज में पहुंच गए थे तो 10-15 दिन बाद अपने जो भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे उसको पढ़ना हमने चालू कर दिया। लाइक बीडी चौरासिया सर की बुक जो है हमने उससे पढ़ना चालू किया, पर फिर वही दिक्कत सर सर से ऊपर से जाने लगा कि अचानक सा बिल्कुल मतलब बीडी चौरासिया पकड़ लिए हैं। अब वहां पे हम लोग को एक ऐसा टेंशन है कि हमको वहां पे जो हमारे प्रोफेसर है उनको भी सुनाना है, उनको बताना होता है कि एनाटॉमी लैंडमार्क्स बताना होता है। वो सबसे पहला तो दिमाग वही सबसे पहला चकरा गया कि मीडियल लैटरल कैसे पहचाने, सुपाइन प्रोन कैसे पहचाने, ट्रांसवर्स सेक्शंस कौन सा होता है, लैटरल सेक्शंस कौन सा होता है, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान किए। फिर धीरे धीरे हम 3-4 बंदे थे हमारे ग्रुप के, हम लोग इकट्ठा बैठते थे और एक दूसरे को पढ़ाते थे कि ये बेटा ये ऐसा करना है तो लैटरल होगा, ऐसा करना है तो मीडियल है, टुवर्ड्स द बॉडी साइड हो अगर एडक्शन अबडक्शन ऐड करना बिल्कुल है या दूर लेना है, तो वो सारा का सारा। फिर धीरे 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 जैसे ही हम बार 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 रिवीजन करते गए तो क्लियर होते गया। फिर एक्चुअली मैंने जो अपना प्रिपरेशन है वो मैं किर्गिस्तान से ही चालू कर दिया था। लाइक मैं इंडिया वापिस आने से पहले ऑलमोस्ट मेरे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके थे, वेरी गुड और जैसे ही मैं इंडिया आ गया फुल फ्लेज में जुलाई से अप टू एग्जाम FMG एग्जाम जनवरी 20 तक मैंने इसको पूरे फुल फ्लेज में 10 to 12 hours पर डे के हिसाब से हमने की। और खास करके ये जो 10 to 12 hours बोलने वाला नहीं, हमने स्टॉपवॉच लगा के किया है। वेरी गुड सो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं बस उतना देर के लिए आपका स्टॉपवॉच चलना चाहिए। जैसे ही आप बाहर जा रहे हैं या किसी से बात कोई फ्रेंड का मैसेज आ गया या कॉल आ गया तो आपको वहां पे स्टॉपवॉच पॉज करना है। वेरी और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 10 to 12 hours जो है बोलने में अच्छा लगता है, करने में बहुत तकलीफ होता है। और इनिशियली इनिशियल फ्यू डेज में आपको कोई अगर बोले कि 10 घंटे बैठ जाओ इम्पॉसिबल है। मैंने भी जब अपना प्रिपरेशन चालू किया था शुरुआती में मैं 4 घंटा, फिर इंप्रूवमेंट करके 5, 6, 7, 8, 8 घंटा में पहुंचने में मेरे को लगभग 1 महीना लग गया। फिर आठ बिल्कुल घंटे के बाद उसके बाद अपने आप सारा सोशल मीडिया को मैंने वो कर दिया था, अनइंस्टॉल कर दिया था। बस मेरे पास टेलीग्राम बचा हुआ था और व्हाट्सअप था, क्योंकि व्हाट्सअप से हम सारे दोस्त कनेक्टेड थे एक ग्रुप के थ्रू, और टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि सारे टीचर से कंटेक्ट रहता कि कौन सा कोर्स चल रहा है, अगर कोई डाउट हो तो टीचर से उसी से ही हम जो है अपना डाउट क्लियरिंग कर रहे थे। सो ये मेरा जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था। हमारी और जैसे ही हमारी बात भी राइट सर टेलीग्राम से स्टार्ट हुई। अच्छा राइट सर एक चीज ये है, मुझे ऐसे याद आया, ऐसे भी बातें बताई तो एक तो मैं ये पॉइंट आउट करूं कि स्टॉपवॉच वाला जो क्राइटेरिया बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, क्योंकि आप अपने आप से अकाउंटेबल हो जाते हो। आप सही कर राइट रहे हो सर गलत कर रहे हो आपके सामने है, किसी से आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ऐसा किया तो वैसा हो गया, जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो सामने है। भाई ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे 6 महीने रोज 12 घंटे पढ़ोगे, 10 दिन बाद होगा किसी दिन आधा ब्रेक चाहिए, दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सर ये बात मानोगे, मैंने अभी एक वीडियो भी लॉन्च किया था हाउ टू इंक्रीज फोकस कंसंट्रेशन करके, उसमें ये बात का जिक्र किया था। कई राइट को सर लगता है ना कि 12 घंटे कोई नहीं, आज से लग जाता हूं, तो भाई कल तक तू आधा घंटा पढ़ता था, आज अचानक 12 घंटे कैसे पढ़ोगे? आज पढ़ भी लिया तो 2 दिन तक फिर उस उठ नहीं पाओ, बहुत दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल सर ट्रांजिशन होता है धीरे धीरे, जैसे अभी डॉक्टर जाहिद ने बताया कि धीरे धीरे ट्रांजिशन करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जाहिर ये बताओ कि कोई ऐसा सब्जेक्ट वाइज अप्रोच जो आप अपने जूनियर्स को या बाकी को बताना चाहें कि यार इस सब्जेक्ट में इस तरह से अप्रोच करने पे, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस हो, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, अपना राइट एग्जाम भी निकल गया है, जो भी ऊपर नीचे देखने थे काफी कुछ देख भी लिया है, जिंदगी काफी जी भी ली बाहर। राइट अब क्या लग रहा है कि अपने जूनियर्स को क्या बताऊं कि यार इस सब्जेक्ट में यार ये जो मुझे कोई नहीं बता पाया, मैं किस तरह से तुम्हें फायदा करूं? क्योंकि इंसान का मकसद ये होता है कि अपने से आने वाले को कुछ फायदा राइट दे जाए। वो तो क्या लगता है? राइट सर मैं अपने सारे जूनियर्स को यही बोलना चाहूंगा कि मैं एक स्ट्रेटेजी मैंने खुद से डेवलप की थी। वो एक्चुअली स्ट्रेटेजी ये थी, जैसे मेरे फार्मा वीक थे तो मैं पर डे फार्मा को 1 आवर मैंने अपना जो स्टडी शेड्यूल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, हाफ एन आवर फॉर माइक्रो, हाफ एन आवर फॉर पैथो और 15 मिनट्स पर डे एनाटॉमी के लिए रखा था मैंने। गुड गुड। अच्छा एनाटॉमी में आप इससे क्या है राइट पहले, अच्छा रुक, सर आप पहले कंप्लीट करो, फर्स्ट कंप्लीट। इसे हाँ सर इसमें यह है कि अगर हम ऐसे लगता है हमको बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, पैथो हो गया कि आपका माइक्रो हो गया फार्मा हो गया, क्योंकि फार्मा भी एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, उसको याद करना
मतलब बहुत टीडियस जॉब होता है, इसलिए मैंने क्या किया उसको रेगुलर अपने टच में रखा कि लेट से आज अगर लेट से मेरे जो नोट्स थे 40 पेजेस थे, तो मैंने अगर आज 4 पेजेस कंप्लीट किए हैं तो नेक्स्ट 10 डे के साइकिल में फिर से वो 4 पेज जो है रिपीट हो जाएंगे। तो इससे क्या है, मेरे मल्टीपल रिविजन हो गए फार्मा के, वैसे मल्टीपल रिविजन पैथो और माइक्रो के भी हो गए। अब सबको पता है कि माइक्रो जो है वो भी वोलाटाइल होता है, फार्मा वो भी वोलाटाइल होता है, एनाटोमी वो भी वोलाटाइल होता है। हाँ, अगर आप बार 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 रिविजन करते हैं तो आप सही में, मैं बता रहा हूं कि वो मतलब बहुत ज्यादा ही आपको हेल्पफुल होगा। और ये मैंने अप्लाई की है और मैंने अपना मार्क जो है जीटी में बढ़ते हुए देखा है, और ये आप करके देखिए, 10 दिन करके देखिए, आपको फर्क पता ही चल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इसे बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में स्पेस्ड रिपीटेशन, कि हर राइट स्टेशन सर, के आगे आप रिपीटेशन करते रहो, मतलब रिवीजन करते रहो। इससे जो माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं, जो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, वो भी बढ़िया बॉन्डिंग बनती है, उससे बहुत बढ़िया रहता है। तो जैसे बात की जाहिर आपने कि जीटी सर आपने एक बताओ बात बताना चाहूंगा मैं बताओ सर, ये है कि सही मैं बता रहा हूं कि एनाटॉमी में मेरे 25 या 30 पेज के नोट्स थे, और अगर मैं 25 से 30 पेज उठाऊं तो मेरे कुछ याद नहीं थे। तो मैंने ये जो प्रोसेस अप्लाई किया, फिर धीरे धीरे धीरे, सबसे टफ होता है एनाटॉमी में फोरामेंस ऑफ स्कल, और उसके जो जो भी स्ट्रक्चर पासेस थ्रू दैट फोरामेन, उसको याद रखना बहुत टीडियस जॉब होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से फोरामेन से पास कर रहा है, अगर वहां पे कोई पैथोलॉजी हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो कौन से नर्व का डैमेज होगा या कौन सा सेंसेशन चला जाएगा, वो सारा जो है मैंने यही मेथड अप्लाई करके 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर फाइनली मेरे दिमाग में पूरे क्रैनियल नर्व्स जो है उसके फोरामेंस कौन कहाँ से उसका ओरिजिन है, इंसर्शन कहाँ से है, अगर मान के चलिए फ्रैक्चर हो जाता है कौन सा पोर्शन फ्रैक्चर होने से कौन सा नर्व डैमेज होता है, वो सारे के सारे जो है यही इसी टेक्निक से मैंने कंप्लीट किया है। और मैं इतना श्योर हो गया था कि मेरा अगर न्यूरो एनाटोमी से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 100% सही होना ही होना है। तो इसी तरह से बिल्कुल मैंने एक एक पोर्शन को मैंने स्ट्रॉन्ग करते गया, फिर जैसे ही न्यूरो स्कल फोरामिना हो गया, फिर मैंने अपर लिम्स के नर्व सप्लाई, लोअर लिम्स के नर्व सप्लाई और उसके पैथोलॉजी, जैसे सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा तो कौन सा नर्व डैमेज होगा, कैसे पहचानेंगे जी कि सुपरफिशियल नर्व डैमेज है या डीप नर्व डैमेज है। तो ये सारा का सारा जो है एक मैंने अप्रोच लिया और फाइनली ये अप्रोच मेरा सही रहा, और मैंने एनाटोमी में बहुत ही अच्छा किया, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, प्राउड ऑफ यू और सोने यार। पे सुहागा आपका वीडियो सर। चलो वो तो कहने की बात है, लेकिन मेहनत असली स्टूडेंट की होती है। एज अ टीचर हमारा काम है गाइड राइट करके सर, बता देना, मेहनत मेहनत स्टूडेंट की है, वो कोई इसमें कोई दोराय नहीं है। एक चीज यार मैं फील कर रहा हूँ, यार बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर जाहिद तुम्हारे अंदर ना एक फाइटर है यार। तुमने एक एक प्रॉब्लम को पकड़ा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उसको एग्जीक्यूट किया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आज कि यार राइट लाइफ सर, में बहुत बढ़िया करने वाले हो, जिस लाइन में जाने वाले हो। अगर यही एटीट्यूड रहा कि प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ढूंढो, और ढूंढना नहीं है उसे एग्जीक्यूट करना है, और रिजल्ट आना है सामने। और ये जो क्वालिटी है अगर किसी भी स्टूडेंट में आ जाए, तो चाहे वो FMG हो या INI हो। अब मैं फ्यूचर, या तुम्हारा अगर INICT देने वाले हो तो मैं फ्यूचर वहां देख रहा हूँ। होपफुली अगले साल हम बात करेंगे, डेफिनेटली होपफुली देंगे सर, अगले साल फिर से बात करेंगे INICT के रिजल्ट के यस सर, बाद। अब ये बताओ, रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपने बता दी, इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट की, एनाटॉमी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आज जनरल सारी बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या MCQ लगाना, ये शुरुआत के महीनों में, एंड के 1-2 महीनों में, कैसे स्ट्रेटेजी आपने रखी और क्या लगा क्या करना चाहिए उसमें? सर मैं अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जब भी मैंने सबसे पहले मैंने वीडियो लेक्चर देखी, वीडियो लेक्चर के बाद मेरा अपना जो नोट्स था उसको मैंने कंसाइज कर लिया। कैसे कंसाइज किया, सबसे पहले हमारा FMG स्टूडेंट्स के लिए सबको पता है कि FMG सॉल्यूशन इज द किंग, बस वो MCQ के लिए ही बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली अप्रोच जो है FMG सॉल्यूशन का सही रखना है। कैसे रखना है सही, तो FMG सॉल्यूशन में जितने भी क्वेश्चंस थे उस सब्जेक्ट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी मैंने उठाई, तो एनाटॉमी में सबसे पहले मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट है, तो वो मेरे नोट्स में उतने स्टार्स मैंने बढ़ाते गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपर लिम के जो नर्व इंजरी है, डर्माटोम्स है, जैसे कि इस बार आया हुआ था कि हमारा वो ट्रांस पाइलोरिक लेवल कौन सा होता है, डर्माटोम्स वर्टिब्रा लेवल, वो वाला जो जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो भी रिपीट्स हैं, जितने रिपीट्स हैं लाइक 2013-23 में आए हैं अगर, या तो 21 में आए हैं या 22 में आए हैं, उतने स्टार्स में डालते गया। उससे पता ये चल गया कि ये हाई यील्ड टॉपिक है।
अगर मेरे को लास्ट मोमेंट में कुछ करना है तो ये टॉपिक सारे करके जाने हैं, तो इससे क्या है मेरे कॉन्साइज नोट भी हो गए, हाई लेवल टॉपिक भी पता चल गए, और बचे सारे जितने भी जूनियर्स हैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको एफएमजी सॉल्यूशन आज एमसीक्यू बुक सॉल्व नहीं करना है, उसमें जो चार ऑप्शन है इनमें से ये चार ऑप्शन क्यों नहीं हुए वो भी देखना है, लाइक अगर एक ऑप्शन करेक्ट है ये तीन गलत क्यों हुए, ये अप्रोच लेना है, तब आप ऑब्वियसली आपको एफएमजी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसका एफएमजी सॉल्यूशन मैं करता था, फिर नेक्स्ट में प्रीवियस फाइव इयर्स नीट पीजी और आईएनआई सेट के तीन से चार पेपर में करता था, तो उसके बाद मैं धीरे 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 अपने नोट्स को कंसाइज करते गया और लास्ट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैंने नोट्स को फॉलो की और नोट्स को रिवाइज किया, और साथ में जब भी मेरे लीजर टाइम होते थे उसमें मैं 2x में सारे के सारे आरआर वीडियोस जो भी मेरे फैकल्टी मेरे को पसंद थे जिनको मैं फॉलो करता था, मतलब मेरे को ऐसा लगता था अंदर से कि हाँ ये मेरे जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनके सारे के सारे आरआर वीडियोस जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होते थे उनको मैं कंटिन्यूअसली देखता था 2x में सोने से पहले, या तो लेट से अगर मैं ब्रेक लिया हूँ खाना खाने के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, उसमें मैं इसको कंप्लीट कर देता था। इससे क्या है मेरे जो रिवीजन स्ट्रेटेजी में कोई डिफरेंस नहीं आए, ताकि मेरा अगर टारगेट मैंने लिया है कि आज मेरे को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है तो वो मैं कंप्लीट करके ही रात में सोता था। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी को कि 6 to 8 hours की स्लीप लेना ही लेना है, विदाउट प्रॉपर स्लीप आप सुबह जैसे उठेंगे लिथार्जिक फील करेंगे तो उससे आपका पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाए। सो प्रॉपर स्लीप जितना भी जो है लास्ट मोमेंट में, इवन एग्जाम के एट द डे ऑफ द एग्जाम मैंने 5 से 6 घंटे का स्लीप अच्छे से लिया था, हालांकि मेरे को भी एंजाइटी हो रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, फिर भी मैंने 5 से 6 घंटे का स्लीप लिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने स्टडी हुई है इस पर, जितने घंटे आप कम सोते हैं जो हिप्पोकैम्पस में मेमोरी बनती है हमारे वो उतना वहां पे 40% तक का लॉस हो सकता है। अभी ये स्टडी मैं कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, हालांकि सबको पता ही है बट फिर भी एक पॉइंट है कि नींद बहुत जरूरी है। एक छोटा चलो पॉइंट हम जोड़ देते हैं खाने पीने में, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ, हर इंसान अपना अपना अलग रोल निभा रहा है जिंदगी में, स्टूडेंट फेज अलग होती है, तो ऐसे स्टूडेंट फूड में मतलब खाने में क्या सलाह देना चाहोगे अगर कुछ देना चाहते हो तो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग हट गया बट फिर भी जरूरी है क्योंकि इंसान खाने से बना है। राइट सर, वैसे तो मैं अपना प्रिपरेशन घर से ही कर रहा था तो मेरे को तो अपना घर का ही खाना मिल जा रहा था, पर अगर मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जो कि बाहर दिल्ली गौतम नगर में रह रहे थे, वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी खाएं देखें कि सबसे पहला तो ये देखना है कि आप जो भी खाना ले रहे हैं कि आपका जो भी न्यूट्रिशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो लास्ट मोमेंट में आप जो है, मैंने खुद अप्लाई किया था, मेरे को मेरे जो है सीनियर टीचर जो थे वो मेरे को बोले थे कि बेटा लास्ट मोमेंट में आप एक ग्लास मिल्क ले सकते हो और उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट ये ले सकते हो, तो मैं वही फॉलो कर रहा था उनको ब्लाइंडली, क्योंकि ये जो ये बात मेरे जब मैंने यूजी का प्रिपरेशन कर रहा था अपना नीट यूजी का, तब मेरे टीचर ने मेरे को बताया था, सीनियर टीचर, तो उनका बात उनकी बात को मैं अभी भी फॉलो करता हूँ और वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और वही आगे चल के अपने मरीजों को भी बताना है। राइट सर। चलो ये बताओ कि हमने कई सारी बातें करी, ये करना चाहिए, कुछ ऐसी एक दो चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, प्रिपरेशन टाइम में खासकर? सबसे पहला बात ये है कि आप जैसे ही प्रिपरेशन चालू करते हैं मोटिवेशन लेवल पूरा टप पे रहेगा, बहुत हाई, क्योंकि डोपामिन हाई हो जाता है, भाई मेरे को फोड़ना है, एग्जाम निकालना है, ये मोटिवेशन चलेगा, कब तक चलेगा, सिर्फ 2 से 3 दिन। सो इससे ओवरकम करने के लिए सबसे पहला मैंने जो किया था वही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि सारे के सारे सोशल मीडिया को आप अनइंस्टॉल कर दें, ज्यादा नहीं 6 महीने की बात है, जैसे ही आप अनइंस्टॉल कर देंगे ना तो आपको जो क्रेविंग है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने का वो सारा खत्म हो जाएगा सर। मैं लास्ट मोमेंट में मेरे को ऐसा लगता था कि अब मोबाइल फेंक ही दूं, यूट्यूब में कुछ बचा नहीं देखने के लिए, अब मेरे पास फेसबुक था ही नहीं, इंस्टा था ही नहीं, तो अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं, अब मेरे दिमाग में बस यही बात था चलो पढ़ ही लेते हैं, चलो उठाओ नोट उठा लो 2 घंटे और देख लेते हैं या 10 मिनट और पढ़ लेते हैं या एनाटॉमी के इमेज बेस रिवीजन कर लेते हैं, डर्मा इमेज देख लेते हैं, ये ऐसा हो ही जाएगा आपका दिमाग। अब यूट्यूब में कुछ बता ही नहीं, बस यही सजेशन में ये रिवीजन वीडियो आ गया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन आ गया, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। सो इसलिए जो है आप यूट्यूब रखें, टेलीग्राम रखें
और व्हाट्सएप रखें, इसके अलावा सारा सोशल मीडिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। ज्यादा नहीं, 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद आप जितना भी यूज करेंगे कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर ये सोच लीजिए, ये 6 महीने में सोशल मीडिया यूज किए, आपने अपना बेस्ट 100% दे नहीं पाया और बाद में आपके को अगर बाई चांस आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो फिर आपको सोच लीजिए, या तो 6 महीने हो सकते हैं, या तो 1 साल हो सकते हैं, या तो 1.5 साल या 2 साल, कह नहीं सकते। सो इसलिए आपको ये भी सोचना है अपने कि ये 6 महीने मैंने अपना बेस्ट देना, मेरे को लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ऐसे ही सर, मैंने जब एग्जाम से पहले मेरे को फील हो गया था कि मैंने अपना बेस्ट पूरा दे दिया है। 14 hours a day बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तब तक मैं 14 hours a day कर चुका था और मेरे को पता चल गया था कि ये मेरा बेस्ट लेवल है, इसके ऊपर मैं जा नहीं सकता। इसमें ना अब रहा मैंने राइट, इसमें ना एक चीज होती है, मैंने जो खुद भी पर्सनली फील किया है, जब इंसान अपना बेस्ट दे देता है ना, उसकी रिजल्ट की चिंता ही नहीं होती। कह रहा है हो ना हो ना, वो खुश हो, दोनों में खुश रहेगा, क्योंकि उसे पता है उसने अपना बेस्ट दे दिया, वो जिसके लिए बना था उसने वो काम कर दिया, अब रिजल्ट की उसे चिंता ही नहीं होती। कह रहा हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो भी कोई बात नहीं। ये मैंने पर्सनली बहुत फील किया कि अपना इतना दे दो कि रिजल्ट की चिंता नहीं है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि कर्म किया जाए, फल की चिंता मत कर, बिल्कुल सर, तो अच्छा ही होगा, एंड में अच्छा ही होता है। क्योंकि ये जो मेहनत होती है, भी हम बात भी कर रहे थे पहले इस इंटरव्यू से, पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेहनत है आपकी 6 महीने साल भर की, ये जिंदगी भर आपको इतना हौसला देती है, कभी भी आगे फ्यूचर में आज से 5 साल 10 साल बाद आपको परेशानी हो, तब याद करो यार एक वो था 2023-24 का दिन, तब मैं क्या फोड़ता था, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने वो कर रखा है, ये क्या है। तो ये जो 6 महीने साल भर है, ये समझो आपकी जिंदगी में एज अ मेमोरी ऐसे फीड हो जाएंगे कि कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस आप आराम से पार कर सकते हैं। तो डॉक्टर जाहिद, ये बताओ फ्यूचर का क्या गोल है, कुछ गोल सेट किया या फिर बस मेहनत के साथ जो मिल जाए? नहीं नहीं सर, गोल सेट है, पहले से ही सेट है। एक्चुअली मैं जब किर्गिस्तान में ही था तो मैंने डिसाइड कर ली थी मेरे को MS न्यूरोसर्जन बनना है। बहुत बढ़िया। सो उसके हिसाब से अभी तो मैंने अपना पहला हर्डल पास कर लिया है, MBBS JD ऑफिशियली डॉक्टर बन गए हैं इंडिया में। अब नेक्स्ट टारगेट NEET PG INI से, दोनों में से एक मेरा प्राइमरी, मेरा फर्स्ट प्राइमरी प्रेफरेंस रहेगा INI से, मैं क्रैक करूं, और अगर सेकेंड ऑप्शन है मेरा NEET PG। दोनों को मैं अपना बेस्ट देके तैयारी करूंगा और दोनों में जिसमें भी मिल जाए मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। मजा आ गया बात करके। एक ईमानदार मेहनती स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होता है ना, जो होता है बच्चा, जो होता है जो स्टूडेंट होता है, वो जो डेफिनेशन में करेक्ट बैठे हो, जिसके आपके अम्मी अब्बू ने जिस हिसाब से आपको भेजा था कि यार बेटा ये कर करके आना, उससे शायद 110% ज्यादा, मतलब ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मतलब बहुत मजा आया बात करके। मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं, मैं सही बताऊं, पर मुझे उसे 4 गुना ज्यादा मजा आया बात करके। तुमसे बात करके पुराने दिन, 10-15-20 साल पुराने दिन याद आ रहे हैं। चलो किसको डेडिकेट करना चाहोगे, अगर डेडिकेट करना चाहोगे ऊपर वाले के अलावा, ऊपर वाला तो ही खैर। हाँ बिल्कुल, मैं ये सारा का सारा जो क्रेडिट है मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली मेंबर्स, पर्टिकुलरली मेरे भैया लोग जो हैं, मेरे दीदी लोग हैं, और स्पेशली मेरे एक कजन हैं जो मेरे साथ गए हुए थे, वो भी MBBS जो है अब्रॉड से किए हैं, हम दोनों का प्रिपरेशन इकट्ठा किए और वो भी पास है, मैं भी पास। अरे गजब, सोने पे सुहागा। पीछे जो लिखा हुआ है ये आई होप फ्यूचर में जो जो गोल सेट किए अच्छे अचीव हों, बस ज्यादा अभी इनके अपने 200 नंबर आ गए हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन इससे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है और इसे इम्प्रूव करना है और इंजॉय करनी है जर्नी, क्योंकि तैयारी, सब लोग कहते हैं तैयारी वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मुझे लगता है तैयारी से आपका पूरा इंटीग्रेशन बनता है आगे आप किसी भी लाइन में। सर ये तो मैं मानता हूँ कि अगर तैयारी आप अच्छे से करते हैं ना, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका इंटीग्रेशन हो ही जाता है। बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है मेरे फ्रेंड्स मिलके हम लोग एक 5 बंदों का एक ग्रुप बनाए थे, हमने लास्ट मोमेंट में बनाया था कि जो भी जिसका प्रॉब्लम है, जिसका जो प्रॉब्लम है वो अपना ग्रुप में शेयर करे, जिसको उसका नॉलेज है वो अपना उसको क्लियर करवाएगा। तो लाइक वो ग्रुप में हम ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कंट्रावर्शियल क्वेश्चंस होते थे, या तो कुछ क्वेश्चन है लगता है ये आंसर होगा पर वो उसके आंसर्स होते नहीं थे, तो वैसे वाले क्वेश्चन हम उसमें शेयर करते थे। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी आप फ्रेंड्स चुने, आपके स्टडी पार्टनर चुने, तो लिमिटेड टू 2-3
पर्सन रखें, उससे ज्यादा बढ़ाए नहीं, तो दिक्कत उसमें क्या, 2-3 पर्सन होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे हम ये जो 5 वाला ग्रुप बनाए थे, हर रात में हम लगभग 1 घंटा उसमें देते थे कि सब लोग मिलके अपना फार्मा 30 मिनट्स के लिए हम डिस्कस करते थे लाइक इंटीग्रेटेड वे में। ये वाला जो अप्रोच था ना हम लोगों का, मैं सर एक्चुअली में हम जो लास्ट 15 डेज में जो फार्मा में हम ये अप्रोच अप्लाई किए ना, वो लगभग हमारे फार्मा को वो लाइक ओनली 2 से 4 क्वेश्चंस गलत हुए होंगे फार्मा के वेरी गुड ये अप्रोच से। तो मतलब ये है कि फ्रेंड्स का और जो स्टडी ग्रुप का एक सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट की जंग है और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए। अगर ज्यादा बंदे होंगे ना तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन होता है। शाम का 1 घंटे का रिविजन है ना, उसमें आप बाकी 4 लोगों की नॉलेज ले रहे हो, 4 से आपका बेनिफिट हो रहा है, आपसे 4 का बेनिफिट हो रहा है, ये तो है बिल्कुल सर। तो समराइज और सर तो 5 में से ऑलमोस्ट हम 3 बंदे पास हो गए हैं, एक बंदा बस 1 नंबर के लिए रह गए, मान के चलिए सर 4 बंदे पूरा ग्रुप से पास हैं। कोई नहीं, लेकिन अगर उसमें 5वें ने भी अगर मेहनत अच्छे से करी होगी, जो कि मुझे उम्मीद करी होगी, उसे इतना दुख नहीं होगा, उसे इतना दुख राइट सर। हालांकि थोड़ा दुख होता है, दोस्तों का हो गया, मेरा क्यों नहीं होगा, लेकिन होता ही है ना। जो पड़ाव है ये पहला पड़ाव है, अभी बहुत सारे पड़ाव है, तो इस पहले पड़ाव में किसी का एक नंबर ऊपर नीचे हो गया उसमें कोई बात नहीं, पड़ाव और बहुत मिलेंगे, और सब एंड में अपने हिसाब से काम करें, मेहनत करें, अच्छा ही होता है, ये तो मेरा पर्सनल है, अच्छा ही होना है। बिल्कुल सर, तो अगर हार्ड वर्क पे ऑफ सर। हाँ, तो अगर समराइज करें तो भाई मेहनत करने का है, अच्छे से प्लानिंग बनाने का है, कोई प्रॉब्लम सामने है डरने का नहीं है, उसको सॉल्यूशन ढूंढो, उसको एग्जीक्यूट करो, जो काम कर रहे हो एक्सीडेंट पढ़ाई करो तो स्टॉप क्लॉक लगानी पड़े लगाओ, जो कागज में प्लान लिखा है इस दिन ये करना है तो वो करो, अब बहुत पढ़ाई कर लिए ब्रेक लेना है, ब्रेक भी ले लो। तो यार हॉबीज क्या है कुछ, मान लो आखिरी चीज बताओ भाई, ब्रेक लेकर क्या करते हो, तो जो तैयारी के टाइम में ब्रेक और सब। हाँ तो एक्चुअली मेरे को गाना गाना बहुत पसंद है, तो एक्चुअली मैं तो वो करता था अगला साल और... सर बिना पूछे गाना, और दूसरा दूसरा हो गया, जब भी मेरा मन बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि अब और नहीं, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तब मैं कोई भी एक छोटा सा मूवी देख लेता था, या तो कोई लाइक एंटरटेनमेंट वाला वीडियो हो वो देख लेता था। यार एक 2 लाइन फिर चाहिए तो। अब एकदम एग्जाम हो गया तो एकदम जो पसंदीदा गाना है कोई भी गाना चलेगा, 2 लाइन गाई दो। ओके सर। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके बाग बेमिसार हैं। मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार एक बात और है, म्यूजिक बहुत बड़ा हीलर है, म्यूजिक 1 मिनट में मूड बदल देता है, म्यूजिक 1 मिनट, 1 मिनट लगता है उसको, उस सारा सारा मूड चेंज हो जाता है, और ये सबके लिए लाजमी। चलो यार बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर जावेद आपसे बात करके, और उम्मीद है आज के इंटरव्यू के बाद हम कनेक्ट रहेंगे आगे भी, और बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए सर। और कोई भी आगे हेल्प चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए किसी भी लाइन में, तो फिर बिल्कुल हमेशा मौजूद है यहाँ पे। चलो भाई सबको, सबकी तरफ से आपको थैंक यू, सबके जूनियर्स की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ, क्योंकि वो ये सुन के बाद भूलेंगे कि नहीं, मतलब काफी कुछ हेल्प मिला उन्हें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू थैंक यू सर आफ्टर 1 ईयर इन आफ्टर नीट पीजी एंड INI क्लियरेंस। यस सर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट।